हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीजी मैथमेटिक्स। आज बात करते हैं एक क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारा है सीएसआईआर नेट जून 2024 से, एंड जो हमारा क्वेश्चन है वो है हमारा लीनियर अलजेब्रा से। लीनियर अलजेब्रा में भी बेसिकली हमारा वेक्टर स्पेस से, ठीक है। क्वेश्चन में बताया गया है कि M5 ओवर C एक वेक्टर स्पेस है 5x5 के मैट्रिसेस का, इसके एंट्री कहाँ से आती है? कॉम्प्लेक्स नंबर्स के सेट से। यानी कि 5x5 के मैट्रिसेस हैं जिनकी एंट्री, जो एंट्री होंगी वो सारी कॉम्प्लेक्स नंबर्स से आ रही हैं। फिर नेक्स्ट बोला है V है नॉन जीरो सब स्पेस है। नॉन जीरो सब स्पेस का मतलब हो गया नल नहीं है, वो नल सब स्पेस नहीं है। तो नॉन जीरो सब स्पेस है M5 ओवर C का सच डेट, किस तरह? एवरी नॉन जीरो ए, हर नॉन जीरो ए के लिए इज इन्वर्टेबल। कैसा मैट्रिक्स है? यानी कि हमारे जो हमारा मैट्रिक्स वो सब स्पेस है जो हम V सब स्पेस बना रहे हैं M5 का, उसमें कैसे मैट्रिक्स आ रहे हैं? सारे के सारे इन्वर्टेबल यानी कि नॉन सिमिलर मैट्रिक्स आ रहे हैं। हम उसमें जीरो को नहीं रख सकते क्योंकि वो सिमिलर होता है, और दूसरा कोई भी एक ऐसा मैट्रिक्स नहीं रख सकते जिसका डिटर्मिनेंट जीरो बन जाए। नॉन जीरो ऐसे मैट्रिक्स रखने हैं, नॉन जीरो इस तरह के मैट्रिक्स रखने हैं जो सारे के सारे इन्वर्टेबल हो या नॉन सिंगुलर हो। फिर कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉसिबल वैल्यू फॉर द डायमेंशन ऑफ वी। वी की डायमेंशन के बारे में बताना है कि वी की जो डायमेंशन है क्या पॉसिबल हो सकती है। वैसे तो M5 ओवर सी इसकी डायमेंशन होती है, इसकी डायमेंशन कितनी होती है? यदि रियल नंबर्स पे बात करें तो इसमें एंट्रीज होती हैं वो 25, तो 25 होती हैं, और यदि कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे बात करें तो वो डबल हो जाती है, तो इस तरह से होती है। तो इसका मैटर नहीं है M5 में क्या होता है, कितनी एंट्रीज हैं या फिर कितना कुछ है। हमें सिर्फ ऐसे मैट्रिसेस ढूंढने हैं जो सारे इन्वर्टेबल हैं और उन सबका एक सब स्पेस बनाना है। अब उनमें कौन कौन से आ सकते हैं, किस क्या अलग अलग तरह के सभी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आ सकते हैं, या फिर कुछ स्पेशल ही इन्वर्टेबल मैट्रिक्स आएंगे जो इस कंडीशन को फुलफिल करेंगे। देखो, इसमें जो हमें पॉसिबल वैल्यू बोली है डायमेंशन की, तो डायमेंशन 1, 2, 3, 5 ये डायमेंशन हमें बोली गई है, ठीक है। अब डायमेंशन कम से कम 1 तो हो गई, ठीक है। जब ऑप्शन है हमारे पास, 0 ऑप्शन है नहीं, और 1 तो इसकी डायमेंशन हो गई। वैसे भी जब इन्वर्टेबल मैट्रिसेस का वेक्टर स्पेस बनाया है तो यदि हम सिंगल एक मैट्रिक्स भी रखेंगे, नॉन जीरो मैट्रिक्स इस तरह जो इन्वर्टेबल हो, तो फिर 1 डायमेंशन तो रखेगा ही, ठीक है। इसके सॉल्यूशन की बात करूँ, अब मैं यदि मान लूँ, मैं मान लेती हूँ इसके इसकी डायमेंशन 2 है, 1 से एग्जैक्ट बड़ी मैंने 2 ले ली, ठीक है, 2 ले ली। तो दो मैट्रिक्स ऐसे होंगे जो एलाइन होंगे, ए और बी, ए और बी, मुझे दो ऐसे मैट्रिक्स मिलेंगे इसके वी के बेसिस में। यदि डायमेंशन 2 है तो दोनों के दोनों एलाइन होंगे और इसके बेसिस के जो कंडीशंस हैं या वेक्टर स्पेस की कंडीशंस हैं उसको फुलफिल करेंगे। यानी ए का डिटर्मिनेंट भी नॉन जीरो होगा, बी का भी नॉन जीरो होगा, ठीक है। ये दोनों बेसिस में आ रहे हैं ऐसा मान लिया। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये इसे हमें बता दिया गया है। फिर अब मान लिया दो हमारे वेक्टर स्पेस में एलिमेंट्स हैं, तो वेक्टर स्पेस की कंडीशन क्या कहती है कि हमारे पास जो सीस में से आ रहे हैं नंबर, यानी कि ए प्लस अल्फा बी, ए प्लस अल्फा बी, वो भी इस वी में जाना चाहिए भाई। ए मैट्रिक्स वी में जा रहा है, बी मैट्रिक्स वी में जा रहा है, तो ए प्लस अल्फा बी भी वी में जाना चाहिए। अब अल्फा है वो हमारे फील्ड से आएगा, यहाँ पे फील्ड क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर। एक बार के लिए मैंने मान लिया कि मैं रियल नंबर के लिए भी बात करूँ, तो देखिए जब ये वी में आएगा
तो इसका मतलब ए प्लस अल्फा बी, इसका जो डिटरमिनेंट नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक है, अब आप देखिए ए का कुछ डिटरमिनेंट है, कोई डिटरमिनेंट तो क्या होगा, रियल नंबर ही होगा। मान लिया मैंने डिटरमिनेंट 5 है, ठीक है। बी का कोई डिटरमिनेंट है, बी का डिटरमिनेंट मान लिया मैंने 10 है। तो जब इस डिटरमिनेंट की जब हम बात करेंगे, जो एक बात मतलब हमारे पास जो एक नया मैट्रिक्स बनेगा, या हम इस ये जो नया मैट्रिक्स बनेगा इसका हम कैरेक्टरिस्टिक या उस पर बात करेंगे, तो वहां से हमें एक क्या मिल गया, कैरेक्टरिस्टिक, एक पॉलिनोमियल मिल जाएगा। अब हम जब डिटरमिनेंट उस पर अप्लाई करेंगे, तो हमारे पास इसका डिटरमिनेंट 5 है, इसका 10 है, तो 5 प्लस अल्फा इंटू 10 बराबर 0। यदि मैं एक बार के लिए रखूं करेक्टरिस्टिक, या मिनिमल जब भी हम करते हैं तो इक्वल टू 0 रखते हैं, यदि मैं रखूं तो अल्फा की वैल्यू आ गई -1/2। अब मुझे एक अल्फा क्या, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, लेकिन मुझे एक अल्फा मिल गया -1/2, जो इस कंडीशन में ये बता देगा कि इसका डिटरमिनेंट 0 हो रहा है। तो ये वी में कैसे आया, कॉन्ट्राडिक्ट हो गई हमारी बात कि ये वी में कैसे आया। फिर जब दो मैट्रिक्स हैं हमारे वेक्टर स्पेस में, तो किसी भी अल्फा के लिए ये जो पूरा मैट्रिक्स बन रहा है ये वी में आना चाहिए वेक्टर स्पेस की कंडीशन से। पर जब हम ये नया जो मैट्रिक्स बना है इसका हम कैरेक्टरिस्टिक लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक का में हम डिटरमिनेंट अप्लाई करते हैं, तो हमें एक अल्फा दोनों के लिए, यदि डिटरमिनेंट मैंने मान लिया, तो कुछ ना कुछ मुझे अल्फा मिल गया जिसके लिए इसका डिटरमिनेंट जिस अल्फा के लिए 0 हो रहा है। यानी कि ये हर अल्फा के लिए तो वी में नहीं आ सकता। वेक्टर स्पेस की कंडीशन कहती है कि हम उसके फील्ड से कोई भी एलिमेंट लें तो उसके लिए ये वेक्टर स्पेस में जाना चाहिए, पर ऐसा नहीं हो रहा है। इसका मतलब ए प्लस अल्फा भी नहीं होगा। ये तो मैंने सिर्फ मान लिया 5 और 10, बाकी कुछ भी हो सकता है। तो कुछ भी, जब ये दो रियल नंबर्स हैं तो अल्फा को कुछ हम कोई भी रियल नंबर रख के डिटरमिनेंट को 0 तो आप आराम से लेके आ सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ए प्लस अल्फा बी वी में नहीं जा रहा है। अब जब ए प्लस अल्फा भी वी में नहीं जा रहा है, तो फिर ये वेक्टर स्पेस कैसे बना, इसका मतलब ये वेक्टर स्पेस नहीं है। तो हम क्या कहेंगे कि ए प्लस अल्फा भी आया जब ही ना, जब हमारे पास दो मैट्रिक्स थे। ए प्लस अल्फा भी क्यों आया, जब दो मैट्रिक्स थे, इसका मतलब ये दोनों मैट्रिक्स सेम है। क्या कहेंगे हम, दोनों मैट्रिक्स क्या है, सेम है। यानी कि इसकी जो डायमेंशन है वो 2 ना होके 1 ही है। डायमेंशन कितनी है हमारे वेक्टर स्पेस की, 1 ही है, क्योंकि दो पॉसिबल, 2 3 4 5 कुछ भी यदि हम रखते हैं इसकी डायमेंशन, तो हमें दो मैट्रिक्स तो एल आई मिलेंगे ही कम से कम, है ना। और दो एल आई मिलते हैं, यही सारी कंडीशन फिर क्रॉस होने लग जाती है, कॉन्ट्रोडिक्शन कंडीशन आती है। तो वहां से हम कहेंगे कि ऐसा नहीं है, दो अलग अलग नहीं है, ये दोनों मैट्रिक्स हैं जो बेसिस में है, ये बराबर है या फिर एलडी है। इसका मतलब जो बेसिस में तो ओनली 1 एलिमेंट ही जाएगा, और जब बेसिस में 1 एलिमेंट होगा तो डायमेंशन भी 1 होगी। तो इसकी पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है, 1। ऐसे भी देख सकते हैं, दूसरा ऐसे देखिए, कुछ बच्चों का मैंने देखा, कुछ लोगों का, किसी ने ऐसे बोला कि हमने तो डायरेक्ट ऐसे किया कि आई है वो नॉन जीरो है, नॉन जीरो डिटरमिनेंट है, ये इसमें वी में गया, -IB यदि वी में गया, ठीक है, तो आई और ये दोनों का सम भी होना चाहिए, और ये तो 0 आ रहा है और 0 इसमें नहीं है, तो इसका मतलब आई की तरह के आएंगे या -I की तरह के आएंगे। तो इसकी डायमेंशन उन्होंने डायरेक्ट इस तरह 1 कर दी। पर आई आइडेंटिटी लेने से ही कुछ नहीं है, आप जनरली भी देख सकते हैं कि किस तरह से हो रहा है ना। तो 0 मैट्रिक्स इसमें नहीं आ रहा है, इसी वजह से यदि 0 मैट्रिक्स भी इसमें आता, इन्वर्टेबल वाली बात नहीं होती, तो फिर इसकी डायमेंशन कुछ अलग होती, कुछ और कंडीशन के दी हुई होती उससे। लेकिन जब हमें इन्वर्टेबल बोल दिया गया है तो यहाँ पे फिक्स हो गया है कि ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इसकी डायमेंशन आ गई 1। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। ओके।
थैंक यू।